हाय एवरीवन, वेलकम टू नेचर पाथ। नेचर पाथ आज आपके लिए होम डेकोर से रिलेटेड वीडियो लेकर आया है। ये हमारे अपने फ्लैट का वॉल डेकोरेशन है जो कि घर में एंटर करते ही फ्रंट वॉल पे पड़ता है। एंटर करते ही इफ सबसे पहले गेस्ट की या हमारी खुद की आईज भगवान की ओर जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने अपने फ्लैट में इस वॉल को ब्यूटीफुली डेकोरेट करने का सोचा, क्योंकि ये जो वॉल थी ये एंटर करते ही दिखती थी और ये बिल्कुल खाली स्पेस था। तो ये इस तरह से डेकोरेट करने से इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी रहती है और जो ये सिंपल सा हमारा एक कॉर्नर था या वॉल का फ्रंट वॉल था एकदम से अट्रैक्टिव और लाइव भी बन गया है और इतना ब्यूटीफुली ये एक अट्रैक्शन हो गया है घर का। तो मेरा जो ये स्पेस था ये ऐसे था, बिल्कुल खाली पड़ा था जो अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पे मैं स्टूल रख देती थी या कुछ और भी, बट इतना अट्रैक्टिव नहीं था। तो ये आइडिया मुझे आया तो इसके लिए मैंने अपना एक पुराना टेबल था जो ग्लास टेबल है, बट जो इसके नीचे का बेस है वो बहुत ही सुंदर वुडन कार्विंग इसमें हुई है। तो ये एक एंटीक पीस है क्योंकि ये काफ़ी पुराना है लेकिन बहुत ही एंटीक है। इसमें मैंने यूज़ किया है एक टेबल रनर जो कि सिल्क का टेबल रनर है और जिसमें बनारसी ब्रॉकेट का बॉर्डर है। ये मेरी कलर थीम से मैच हो रहा है, आप अपनी चॉइस की कलर थीम रख सकते हैं। और इसमें हमने लगाए हैं गणपति जो मैंने राजस्थान से लिए हैं, तो आप गणपति इसमें लगाएंगे या आपको जो भी ले सकते हैं, आप जो भी आपका मन करे। और इसमें बैक में जो आपको रेड कलर का एक आपको दिख रहा है वॉल, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है जो कि थर्माकोल से बना है। ये गणपति स्थापना के टाइम पे मैंने वॉल डेकोरेशन किया था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। एंड देन हम यूज़ कर रहे हैं इनमें अब ये है रोज़ पेटल्स। ये जो रोज़ पेटल्स हैं ये आर्टिफिशियल रोज़ पेटल्स हैं और ये बहुत डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाएंगी, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये जो रोज़ पेटल्स हैं ये मेरी 2 ईयर्स से पानी में डिप रहती हैं और इनका बिल्कुल कलर फेड नहीं हुआ है। जो भी आपको अपनी कलर थीम रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप कलर चूज़ कर सकती हैं, आपको मार्केट से मिल जाएगा। फ्लोटेड हैं ये और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और साथ में हमने एक पुराना अपना लोटस लिया है, तो इसके लिए हमने ग्लास का एक बाउल लिया है जो बहुत सुंदर इसमें ग्लास वर्क हुआ है। ये मेरा पहले का फ्रूट बास्केट था, इसमें हमने ये पेटल्स पानी में डाल देनी है। ये फ्लोट करती हैं, आप अपने कलर के अकॉर्डिंग्स इनको ले सकते हैं मार्केट से। और इसी में हमने अपना लोटस डाल देना है। तो इससे एक्चुअली इनसे एक लाइवनेस बनी रहती है, पानी फ्लावर्स, तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। आप अपने आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ये देखिए इस तरीके से लगता है। एंड देन हमने इसमें यूज़ किया है एक ब्रास का चौकी, ये भी राजस्थान से, और इसके ऊपर चंदन के गणपति हैं छोटे से। और हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के एलिफेंट्स लिए हैं जो कि मैंने प्लेन लिए हैं, इसमें कलर नहीं किया है। मेरे को पेंटिंग का शौक है तो मैं इनको खुद ही कलर करूँगी, या आप भी मार्केट से ले सकते हैं, ये बहुत चीप भी मिल जाते हैं। और इसके बाद आप मैंने इसमें लाइटिंग करी है और हमने एक फ्लावर वास लिया है जो ऑरेंज कलर का है, थीम से मैच होता हुआ। इस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ये देखिए। जब भी बाहर से कोई या ऑफिस से हम खुद घर आते हैं तो जैसे ही हम डोर ओपन होता है तो हम सामने ही साईं बाबा और गणपति को देखते हैं, तो बहुत पॉजिटिविटी और शांति मिलती है। और जब भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो मेरे को फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यही मिलता है कि श्वेता भगवान दिखते हैं सामने, तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं आपके घर से। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने किसी लिविंग रूम के इस कॉर्नर को आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। या अट्रैक्टिव तो लगता ही है इस तरह के से डेकोरेट करना, साथ के साथ वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करता है हमारे घरों में। तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस की थीम से, अपने ही तरीके से, डिफरेंट वे में आप कर सकते हैं। लेकिन भगवान को रखने से
रियली में बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो सामने जब जैसे ही आप कहीं भी आते जाते हैं, आपको दिखने चाहिए जिसमें आपकी आस्था है, आप उस चीज़ को अपने रखें जिस भी भगवान को आप मानते हैं, मुझे लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।